मूसेवाला के मर्डर के बाद हत्यारों ने हथियार लहराते हुए बना दिया है कार में वीडियो। नमस्कार, मूसेवाला मर्डर केस में एक नया वीडियो सामने आ गया है। जी हाँ, यह वीडियो एक शूटर के पास से बरामद किया गया है और इसमें 5 लोगों को एक ही कार में देखा जा रहा है और बाकायदा सभी मुस्कुरा रहे हैं और कैमरे के सामने बंदूक लहरा रहे हैं। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला को मारने के बाद उनके हमलावरों को जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो एक शूटर के पास से बरामद किया गया है। इसमें 5 लोगों को एक कार में देखा जा सकता है। सभी बाकायदा मुस्कुरा रहे हैं और कैमरे के सामने अपनी बंदूक भी लहरा रहे हैं। वीडियो में जो कार में आगे वाली सीट पर नीली टी शर्ट में बैठा हुआ है वो शूटर प्रियव्रत फौजी है, जबकि पीछे वाली सीट पर जो चेक की शर्ट पहनकर बैठा है वो अंकित है। हत्याकांड में शामिल सबसे कम उम्र के शूटर अंकित शर्मा का फोन स्कैन किए जाने के बाद यह वीडियो सामने आया है। 18 साल के शूटर को कल रात दिल्ली के एक टर्मिनल से अरेस्ट किया गया था। पुलिस के मुताबिक अंकित सजायाफ्ता गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का सदस्य है। पुलिस ने उसे हत्याकांड का मुख्य शूटर बताया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि अंकित सिसरा ने सिद्धू मूसेवाला के सबसे करीब जाकर उस पे 6 गोलियां दागी थी और उसके सहयोगी सचिन बिरमानी को भी गिरफ्तार किया गया। गौरतलब बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला भारत और भारत के बाहर पंजाबी समुदाय के बीच अपने गीत संगीत के लिए बेहद लोकप्रिय थे और उनकी इसी वर्ष 29 मई को उनकी कार पर धुआंधार फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मुख्य आरोपी है। पूछताछ के दौरान लॉरेंस ने मामले के मास्टरमाइंड होने की बात स्वीकार भी की है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं अंकित सिरसा एसयूवी चला रहे सिंगर मूसेवाला के सबसे करीब पहुंचा था और दोनों हाथों से ताबड़तोड़ गोलियां उस पर दागी थी। तस्वीरों में अंकित एक गन पकड़े हुए दिखाई दे रहा है जिसमें कारतूस से मूसेवाला लिखा हुआ है, तो कई तस्वीरों में AK-47 और अन्य पिस्टल के साथ तस्वीर खिंचाते हुए भी देखा जा सकता है। पुलिस के अनुसार उसे कर्नाटक के गैंगस्टर गोल्डी बरार से एक दिन पहले मूसेवाला को मारने का हुक्म मिला था, जो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी था। गोल्डी बरार ने अपराध के तुरंत बाद एक फेसबुक पोस्ट में मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम सारी ऐसी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।